दोस्तों अगर आप लोग भी एक व्हाट्सएप यूजर है तो यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को बता दूं, व्हाट्सएप के अंदर 5 ऐसे नए अपडेट निकल के आए हैं। ये अपडेट को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और अपडेट निकलने को सिर्फ 1 से 2 दिन हो रहा है। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग एक व्हाट्सएप यूजर है तो वीडियो को पूरा फुल वॉच करें। मेरा नाम है राहुल जैसा और आप देख रहे हैं अपने एक हिंदी चैनल। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो हम कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे WhatsApp के 4 से 5 नए अपडेट जो निकल के आए हैं, उसमें से पहला अपडेट आप लोगों को QR स्कैनर का देखने को मिलता है। इसके अंदर क्विकली आपका जो कॉन्टैक्ट है वो ऐड कर देगा, आपको नाम भी यहाँ पे नहीं लिखना होगा ना ही उसका नंबर लिखना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ये अपडेट आप लोग को कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको WhatsApp को ओपन कर लेना है। WhatsApp को दोस्तों आप लोग जैसे ही ओपन करेंगे ऊपर से आप लोगों को 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है। 3 डॉट पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो नीचे सेटिंग वाला ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको टैप करना है। इस पर जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ पे आप लोग साइड में देख सकते हैं आपके नाम के साइड में एक QR कोड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आप लोग को टैप करना है। यहाँ पे आपका जो WhatsApp का कोड है वो बन गया है और यहाँ पे स्कैन कोड का इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों ये जो अपडेट है अगर आपके WhatsApp के अंदर नहीं आया है तो आप लोग कैसे ला सकते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए मैं आप लोग को बोलूँगा आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अपना जो WhatsApp मैसेंजर है उसको यहाँ से अपडेट कर लेना है। WhatsApp एप्लीकेशन को जैसे ही दोस्तों आप लोग अपडेट कर लेंगे, अपडेट करने के बाद आप लोग को फिर से यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों देख लीजिए WhatsApp को आप क्या करना है, ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है, उसका सेटिंग पर क्लिक करना है, फिर फाइनली आपका यहाँ पे नाम के साइड में QR कोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फिर देख लीजिए आप ये कोड को कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि देख लीजिए मुझे किसी को ये मेरा नंबर नहीं देना है, यहाँ पे QR कोड मैं भेजूंगा, वो जैसे ही स्कैन करेगा फाइनली उनके इसमें कॉन्टैक्ट मेरा ऐड हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको ऐसे ही किसी का कॉन्टैक्ट ऐड करना है तो साइड में स्कैन कोड है, इस पर टैप करना है। इस पर जैसे ही टैप करेंगे तो उस बंदे का माई कोड जो है उसको इस तरीके से अपने कैमरे के नीचे ला के स्कैन कर लेना है। और एक खास बात ये मेरे को लगी है दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पे देख लीजिए आप लोग अपना जो कोड है यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं, शेयर करके WhatsApp पे, Facebook पे या फिर आप लोग Twitter पर, Instagram पर, Messenger पर, जिस पे चाहे उस पे शेयर कर सकते हैं। और मान लीजिए जिसने जो भी बंदे ने QR कोड अपने मान लीजिए आपका मैसेंजर पर सेंड करा है तो वो फोटो आ जाएगी। फोटो आने के बाद आपको स्कैन कोड में जाना है और नीचे एक गैलरी वाला ऑप्शन है, इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद वहाँ पे जो भी फोटो आपकी होगी वो फाइनली वहाँ से स्कैन कोड करके आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला अपडेट निकल के आया था उसको मैंने अच्छे तरीके से समझाया। अगर दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा अपडेट निकल के आता है वो आप लोगों को स्टेटस के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं अपना जो स्टेटस वाला सेक्शन है उसको यहाँ से टैप करता हूँ। उसको जैसे ही मैंने दोस्तों टैप करा तो टैप करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए अब अपडेट आप लोग को कहाँ देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए कोई सी भी एक वीडियो का जो स्टेटस है हम ले लेते हैं। तो चलिए ये वाला जो स्टेटस है ये इस स्टेटस को जैसे कि दोस्तों आप लोग को पढ़ना होगा तो आप लोग 1 फिंगर से टैप करके इस स्टेटस को उतनी देर में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अपडेट निकल के आया है वो अपडेट के अंदर ये बताया गया है अगर आपकी जो 3 फिंगर है, तीनों फिंगर को एक साथ आप लोग अगर डिस्प्ले पर एक साथ रखते हैं तो यहाँ पे आपका स्टेटस स्टॉप हो जाएगा, चाहे वो वीडियो हो या फिर आपका कोई टेक्स्ट वाला स्टेटस हो। तो यहाँ पे फिर से मैं आप लोग को प्रैक्टिकल तरीके से बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 फिंगर लिया और यहाँ पे एक साथ टैप कर दिया, जैसे ही 3 फिंगर को एक साथ मैंने डिस्प्ले पर रखा तो स्टेटस स्टॉप हो गया है और मेरे हाथ को मैंने साइड में रख लिया और स्टेटस भी मैं आराम से पढ़ सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर वीडियो भी होगी तो सेम प्रोसेस है, वीडियो भी आप लोग इस तरीके से रोक सकते हैं और उस वीडियो की अगर आप लोगों को फोटो लेना है तो इस तरीके से फोटो भी वॉल्यूम की और आप लोग को पावर बटन एक साथ दबा के ले लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को इसको डिसेबल करना है तो 1 फिंगर आपको टैप करना होगा, जैसे ही 1 फिंगर आप लोग टैप कर लेंगे तो स्टेटस हट जाएगा। तो यहाँ पे जो दूसरी अपडेट निकल के आई थी आप लोग 3 फिंगर रख के स्टेटस को स्टॉप कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरी अपडेट निकल के आती है एनिमेटेड स्टिकर। दोस्तों ये जो अपडेट है आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा, तो देख लीजिए आप लोग किसी से चैटिंग करते हैं तो यहाँ पे मैं चैटिंग वाले सेक्शन पर चले जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे टाइप अ मैसेज वाला सेक्शन है इस पर मैं टैप करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे साइड में इमोजी वाला सेक्शन है इस पर आप लोग को क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे आप लोग को इस तरीके से 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है स्टिकर का इस पर आप लोग को क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अच्छे क्वालिटी में एक पैक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्लस वाला एक सिंबल देखने को मिल रहा है आप सभी को, इस पर दोस्तों आप लोगों को टैप कर लेना है। इस पर मैंने जैसे ही टैप करा तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे आप लोगों को स्टिकर के पैक मिल जाएंगे और ये पैक आप लोग आसानी से अपने WhatsApp के अंदर सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए अगर ये हमें स्टिकर चाहिए तो इस पर आप लोग को सिंपल सा डाउनलोड वाला सेक्शन है, इस पर आपको टैप करना होगा। इस पर जैसे ही दोस्तों आप लोग टैप कर लेंगे तो फाइनली ये जो स्टिकर है आपका डाउनलोड हो जाएगा और जो जो स्टिकर चाहिए उस पर इस तरीके से डाउनलोड आप लोग को कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 2 स्टिकर को मैंने डाउनलोड करके रखा हूँ, ये आपको माई स्टिकर ऊपर जो सेक्शन है इस पर देखने को मिलेगा।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इतनी सारी स्टिकर मैंने पहले से ही डाउनलोड करा हूँ। अब यहाँ पे आप लोग वो स्टिकर को आसानी से भेज सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला स्टिकर है। चलो ये मैं चाय पी रहा हूँ तो ये भेज दिया मैंने। अगर हमें ये वाला भेजना है तो यहाँ पे जो आपने डाउनलोड करा है वही देखने को मिलेगा, जैसे कि ये देख लीजिए ये भेज दिया, ये भेज दिया। इस तरीके से आप लोग स्टिकर आसानी से भेज सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों को तीसरी जो अपडेट है स्टिकर वाली वो भी बता दिया। उसके बाद यहाँ पे जो चौथी अपडेट निकल के आती है दोस्तों, वो आप लोगों को हाइड स्टेटस का देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूँ, मैं स्टेटस वाले सेक्शन पर चले जाता हूँ। उसके बाद मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, उसने स्टेटस डाला है और वो स्टेटस यहाँ पे आपके सामने पूरा इस तरीके से आ जाता है। अब दोस्तों मान लीजिए आपका स्मार्टफोन ने किसी आपके घर वाले ने ही ले लिया है और मान लीजिए वो आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। एक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर आपका कोई फ्रेंड है, तो उसकी स्टेटस अगर वो देख लेगा तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसा अगर आप लोगों को लगता है तो उसकी स्टेटस को दोस्तों आप लोग आसानी से यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। वो आप लोगों को कैसे करना है यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को बता दूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो व्हाट्सअप का मैसेज आ रहा है, इसको हम डाटा को बंद कर लेते हैं। अब देख लीजिए आप लोगों को दोस्तों जिसकी भी स्टेटस को हाइड करना है उसको सिंपल सा क्या करना होगा, आपको प्रेस करके रखना होगा। जैसे कि देख लीजिए हम दिलीप भाई की जो स्टेटस है एक डाले हुए हैं, तो इस पर मैं प्रेस करके रखता हूं। प्रेस करा जैसे ही उसका म्यूट वाला ऑप्शन मिलता है, इस पर हम टैप करेंगे तो फाइनली वो जो स्टेटस है म्यूट हो गया है। अब आप लोगों को वो स्टेटस यहां पे देख सकते हैं, कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। और जब भी वो वीडियो स्टेटस अपलोड करेगा तो यहां पे फिर भी नहीं आएगा। आपको क्या करना होगा, नीचे जो म्यूट वाला सेक्शन है म्यूट अपडेट, इस पर एक एरो दिख रहा है, इस पर दोस्तों आप लोगों को टैप कर लेना है। इस पर जैसे ही टैप करेंगे तो उसकी स्टेटस यहां पे आप लोग देख सकते हैं आ चुकी है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये जब भी स्टेटस डालेगा तो आपको यहीं पे ही देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग जो भी स्टेटस है वो यहाँ से देख सकते हैं। अब इसको अगर आप लोगों को फिर से अपने वहाँ स्टेटस बार में लाना है, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस तरीके से आपको फ्रेश करके रखना है, उसका अनम्यूट पर क्लिक कर लेना है। और अनम्यूट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर सेक्शन में वो स्टेटस आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को चौथी अपडेट भी बता दिया। उसके बाद यहाँ पे जो पांचवी अपडेट निकल के आती है शेयर टू फेसबुक। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग स्टेटस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपने जो स्टेटस अपलोड करा है यहां पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलता है शेयर टू फेसबुक का। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एक यहां से हम कोई सी भी फोटो को अपलोड करेंगे, यहां पे मैंने अपलोड करा। अपलोड करने के बाद फाइनली देख लीजिए एक आप लोगों को, जैसे ही आप लोग अपलोड करते हैं तो आप लोगों को शेयर टू फेसबुक वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। तो देख लीजिए अभी नेट बंद था, यहां पे मैं बताऊंगा आप सभी लोगों को। ये मैंने यहां पे एक स्टेटस को यहां से अपलोड करा, अपलोड करने के बाद देख लीजिए शेयर टू फेसबुक वाला जो ऑप्शन है ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों बहुत बार ये आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा ये तीन डॉट है इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी जो भी स्टेटस अपलोड है, चाहे 8 घंटे बाद आप लोग फेसबुक पर शेयर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, वो स्टेटस के तीन डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद शेयर टू फेसबुक पर क्लिक करना है और फाइनली आपकी जो भी फेसबुक अकाउंट है उस पर आपका फाइनली शेयर हो जाएगा। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, अगर मान लीजिए आपने अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर वीडियो लगाया है या फिर फोटो लगाया है और उसको अगर किसी बंदे को फ्रेंड को भेजना है पर्सनली वो स्टेटस को, तो यहां से तीन डॉट पर क्लिक करके फॉरवर्ड पर भी आप लोग क्लिक करके जो भी बंदे को भेजना है आप लोग यहां से भेज सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों देख लीजिए 4 से जो 5 नए अपडेट निकल के आए थे वो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मैं आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आप सभी को अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।